हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैंपस रिपोर्टर। कैंपस रिपोर्टर चैनल में आपका स्वागत है। कल ड्यू ने रात को एक प्रेस रिलीज किया है जिसका इंतजार लाखों स्टूडेंट्स को था, वो कल रिलीज हो चुकी है। वो प्रेस रिलीज हो चुकी है, उसमें कट ऑफ की डेट है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे। कई लोगों की क्वायरी थी मुझसे कि एडमिशन कब चालू होंगे, कब से मतलब स्टार्ट हो रही है एडमिशन, हम घर पे बैठे हुए हैं, मतलब हमारा मतलब बोर हो गए, हमें भी कॉलेज जाना मतलब। लेकिन अभी COVID-19 है, पता नहीं कॉलेज खुलेंगे भी नहीं खुलेंगे। अब मेरे को लगता है आपकी सारी क्लासेस ऑनलाइन ही होंगी। वैसे तो अभी न्यूज़ चल रही है, UGC ने गाइडलाइंस भी दे दिए हैं कि मतलब फर्स्ट नवंबर से आपकी मतलब जो कॉलेज है वो रीओपन हो जाएंगे। लेकिन जो कल प्रेस रिलीज हुआ है, पहले मैं आपको उसके बारे में बता दूँ, जो बाकी बातें हैं मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले मैं आपको जो नोटिस जारी किया है उसका बताता हूँ, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने। तो Schedule for UG entrance based and merit based and PG admission for the academic session to 2020 and 2021 वो रिलीज हो चुका है, उसकी कट ऑफ जो डेट है वो रिलीज हो चुकी है। तो Schedule for UG merit based admission process जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एडमिशन अगेंस्ट फर्स्ट कट ऑफ 10 बजे शुरू होगा 12 अक्टूबर से शाम 5 बजे 14 अक्टूबर तक ये एडमिशन प्रोसेस चलेगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो कट ऑफ है वो जैसे इसमें 12 तारीख लिखा हुआ है वो एक दिन पहले ही रिलीज कर देते हैं, मतलब 11-12 बजे के बीच में ही कट ऑफ आ जाती हैं। तो आपको क्या करना है, रात को ही अपनी एडमिशन जो कट ऑफ है उसमें अपना नाम देखना है, किस मतलब नाम नहीं मतलब जो परसेंटेज है वो मैच करनी है, वो देखना है कि आपको किस कॉलेज में आ रहा है नाम। उस कॉलेज को आप रात को ही रेडी करके रखें कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, और आप फाइनल कर लें कि ये कोर्स सेलेक्ट किया है, ये मैंने मतलब ये मैं पक्का मैं कंफर्म है, मतलब अपनी कंफर्मेशन रात को ही कर लें, ताकि सुबह उठ के आप 10 मतलब जब सुबह आप जगोगे मतलब फिर आपको सोचने का मतलब सब आपने रात को ही सोच के रखा होगा, आप 10 बजे सीधा एडमिशन के लिए प्रोसेस में जो एडमिशन प्रोसेस है जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस वहाँ पे जाके आप अपना एडमिशन कर सको। आपको कोई भी ये मतलब वो ना हो कि मतलब मैं ये मतलब सोचे ना, मतलब रात को ही सब सोच के रख लें आप। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो इसकी लास्ट डे ऑफ पेमेंट अगेंस्ट फर्स्ट कट ऑफ है वो है 16 अक्टूबर 11:59 PM तक आप इसकी फीस पे कर सकते हैं, जो कोर्स फी है। और एडमिशन अगेंस्ट सेकेंड कट ऑफ वो होगा 10 बजे 19 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक। 19 अक्टूबर 10 बजे से एडमिशन शुरू हो गए और 5 बजे 21 अक्टूबर को खत्म हो जाएंगे। तो इसमें जो एडमिशन है 19 अक्टूबर है, तो मतलब कट ऑफ जो आने वाली है 18 अक्टूबर को ही आ जाएगी, मतलब एक दिन पहले आ जाएगी। तो आप एक दिन पहले लेके चलना, तो आगे एडमिशन मतलब ये समझ में आया आपको। फिर उसके बाद है जो ये इसका वही लास्ट डे ऑफ पेमेंट फीस है वो 23 अक्टूबर है, वो 11:59 PM तक आप पे कर सकते हैं, वो आप देख लेना। और मैं आपको ये बता दूं कि ना कभी कभी कट ऑफ होती है, जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 12 अक्टूबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो 11 अक्टूबर को आ जाते हैं। कभी कभी 7 या 8 बजे भी मतलब कट ऑफ रिलीज हो जाती है, मतलब मोस्टली देखा है मैंने बहुत लास्ट ईयर जब मैंने एडमिशन लिया था तो मैंने बहुत सारा ये देखा था, मतलब कुछ मैंने फैक्ट्स देखे थे ड्यू के कि ऐसा करता है ड्यू। जो थर्ड कट ऑफ है वो उसके एडमिशन होंगे 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक चलेंगे, और एक बता दो एक दिन पहले एडमिशन की मतलब जो कट ऑफ है वो आ जाएंगे मतलब डिक्लेयर हो जाएंगे मतलब। और इसकी एडमिशन फी आप 30 अक्टूबर तक भर सकते हैं रात को, ठीक है। और जो फोर्थ कट ऑफ है वो 2 नवंबर को आएगी, मतलब 2 नवंबर को उसके एडमिशन चालू होंगे और 1 नवंबर को ही कट ऑफ आ जाएंगी, और वो 4 नवंबर तक आप इसमें एडमिशन कर सकते हैं मतलब किसी भी कॉलेज में, और 6 नवंबर को आप रात तक फीस पे कर देना। और जो फिफ्थ कट ऑफ है वो 9 नवंबर को आएगी और 11 नवंबर तक आपको मतलब एडमिशन कर लेना है अपना। 9 नवंबर को मतलब एडमिशन शुरू हो जाएंगे और 8 अक्टूबर को ही पहले मतलब जो है मतलब कट ऑफ आ जाएंगी, ठीक है, और 13 नवंबर तक आप फीस पे कर दें। और जो आगे कट ऑफ है मतलब जो आगे की कट ऑफ है वो आएंगी 18 नवंबर का, अगर कोई सीट खाली रहती है, इन केस वैकेंट सीट आर लेफ्ट फर्दर कट ऑफ मे बी अनाउंस बाय द यूनिवर्सिटी टू फिल द वैकेंट सीट्स, जो वैकेंट सीट्स है उनको भरने के लिए मतलब आगे कट ऑफ होती है। लेकिन ये तो हर बार मतलब ऐसा होता है कि मतलब 5 कट ऑफ बोलते हैं लेकिन आगे कट ऑफ निकालते हैं, मतलब क्योंकि स्टूडेंट्स मतलब इधर से इधर फिरते हैं, मतलब उन एडमिशन लेते रहते हैं, मतलब उनको यहाँ समझ में नहीं आता वो दूसरे कॉलेज में चले जाते हैं, तो इस कारण मतलब उस कॉलेज की सीट्स खाली रहती है तो उस कॉलेज को कट ऑफ निकालनी पड़ती है अपनी वैकेंट सीट को भरने के लिए। और जो शेड्यूल फॉर यूजी एंट्रेंस वेट एडमिशन प्रोसेस है वो पहली मेरिट लिस्ट 19 अक्टूबर को आएगी, सॉरी, और वो उसके एडमिशन 21 अक्टूबर तक चलेंगे और आप फीस पे कर सकते हैं 23 अक्टूबर तक। और जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो 26 अक्टूबर तक आएगी, 2 दिन का समय मिलेगा, 2 दिन जोड़ के चलना, और 30 अक्टूबर तक आप इसकी फी पे कर सकते हैं। 2 नवंबर को आपकी वो थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी
और 6 नवंबर तक फीस पे कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन फॉर फर्स्ट स्पॉट एडमिशन, मतलब स्पॉट एडमिशन क्या होते हैं मैं आपको बता दूं, स्पॉट एडमिशन जिनका कहीं भी मेरिट लिस्ट में एडमिशन नहीं हुआ होता, जिन्होंने एंट्रेंस मतलब एंट्रेंस टेस्ट पास नहीं किया होता, तो एक काउंसलिंग से होते हैं, मतलब जो आपने लकी ड्रॉ सुना होगा उस तरीके से मतलब एडमिशन हो जाता है, मतलब जिनका मतलब वो बहुत ही किस्मत की बात होती है, मतलब स्पॉट एडमिशन में मतलब नाम आना, मतलब लेकिन आपको रेडी रहना है इसके लिए भी, मतलब कोई मौका नहीं गंवाना आपको। तो ये है मतलब, और जो फर्स्ट स्पॉट लिस्ट आएगी वो 10 नवंबर को आएगी, और जो सेकंड है वो उसके बाद वैकेंसी रही तो तब मतलब निकलती रहेंगी वो। और आपको बता दूं कि आपको ये पहले से मतलब कंफर्म करके चलना है कि आपको कहाँ एडमिशन लेना है, क्या करना है, रात को ही मतलब आपको सोच लेना कट ऑफ के वक्त की मुझे यहाँ एडमिशन लेना, मतलब सोच के रखना आप। और एक बात बता दूं इसमें मतलब आप सभी डॉक्यूमेंट्स हैं मतलब पहले से मतलब सही करके रखें, मतलब बाद में मतलब अगर आपको एक भी एरर मिलता तो कॉलेज उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करता, रिजेक्ट मारता, मतलब चाहे वो नाम हो चाहे वो मतलब इसमें बहुत सेंसिटिव रहता है, मतलब सारे कॉलेजेस मतलब उनको सब में नाम जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब में मतलब सही चाहिए, मतलब उनको डॉक्यूमेंट्स सारे। और एडमिशन के बारे में कैसा लेना है क्या करना है मैं सब कुछ आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, अब ये वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं अभी वीडियो को शॉर्ट ही रखना चाहता हूँ, कि जो इन्फॉर्मेशन है मैंने इस 3 मिनट मतलब 3-4 मिनट में मतलब मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, तो आप रेडी रहेगा, मतलब आप एडमिशन के टाइम पे मतलब आप एक दिन पहले जब कट ऑफ आएगी तो आप उसमें अपना मतलब करके सोच के रखिएगा, ताकि आप सीधा 10 बजे सुबह आप अपने कॉलेज में अपना एडमिशन कर सकें मतलब। और एक बात बता दूं कि एक ही बार मिलता है मतलब जो मतलब कॉलेज चेंज करने का मौका, जो एक ही बार मिलता है बार बार नहीं मिलता है, तो एक ही मतलब आपको एक ही बार मिलेगा, वरना और उसमें भी आपको 1000 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आपको कॉलेज में एडमिशन ले चुके किसी और फिर आपको दूसरे कॉलेज में जाना है तो आपको एक ही बार चांस मिलेगा, मतलब ड्यू को इससे मतलब बहुत लॉस होता है, इसलिए वो इसने उसने इसमें 1000 रुपये अमाउंट भी लगा रखा है, तो आप ध्यान से मतलब अपना एडमिशन करवाएं सोच समझ के। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी मतलब ड्यू की इन्फॉर्मेशन में। धन्यवाद, नमस्कार।